हेलो माय यूट्यूब एंड फेसबुक फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल अल्टीमेट मोटर ब्लॉग में। और आज मैं लेके आ चुका हूँ 2024 मॉडल रेनॉल्ट ट्राइबर के RXZ मॉडल सबसे टॉप मॉडल का रिव्यू, जो कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में काफ़ी बढ़िया देखने में लग रही है। और ये है इकलौती भारत की ऐसी कार जो कि 10 लाख के अंदर में आती है, और वह भी 7 सीटर के साथ में। तो आप फुल फैमिली इसमें जा सकते हैं मज़े से, और काफ़ी लो मेंटेनेंस कार मानी जाती है रेनॉल्ट ट्राइबर, रेनॉल्ट की तरफ से आती है। और सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज इस कंपनी नहीं करती, आपको 4 स्टार सेफ्टी के साथ में आता है। तो कहीं ना कहीं वो 2 स्टार रेटिंग वाले से तो सही है कि आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग देती है, ऊपर से 7 सीटर आपको मिल जाता है। आप अपने 7 आदमी के साथ आराम से फैमिली के साथ कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या अपडेट होकर आ चुका है 2024 में, मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, तभी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। अच्छा लगे तो आगे भी शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। और मैं अभी हूँ रेनॉल्ट मुजफ्फरपुर में, शोरूम का सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से शोरूम से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट डिज़ाइन की। कलर रहने वाला है ब्लैक कलर यहाँ पे, जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। यहाँ पे फ्रंट लुक देखते हैं तो आपको काफ़ी शानदार यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि देखने में आपको काफ़ी बल्की लगेगा। फ्रंट से देखते हैं तो एकदम बल्की लुक देता है, एक बड़ी एसयूवी वाली आपको फील देगा। यहाँ पर पूरा क्रोम का यूज़ किया गया है, ग्रिल पर देख सकते हैं। रेनॉल्ट का बड़ा सा लोगो आपको मिल जाता है यहाँ पर, जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। नीचे में एयर इंटेक के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस छोड़ा गया है। फ्रंट में कोई भी आपको सेंसर्स वगैरह इसमें नहीं मिलते हैं, स्कीड प्लेट ज़रूर मिल जाते हैं फ्रंट में। बाकी लाइटों पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा हैलोजन बेस्ड ही लाइट मिलता है फ्रंट में, जो कि प्रोजेक्टर के साथ आता है। लो बीम यहाँ पर रिफ्लेक्टर हाई बीम मिल जाता है, यहाँ पर इंडिकेटर आपको हैलोजन में मिलेंगे। इसमें भी क्रोम का यूज़ किया गया है लाइट के अंदर भी, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। यहाँ पे आपको DR मिल जाते हैं, ये LED में रहने वाला, और यहाँ पे भी क्रोम का यूज़ किया गया जो कि काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है आपको। उसके साथ आते हैं बोनट पे, तो बोनट पे एजेस काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। यहाँ पे एक वाशर आपको मिल जाता है जो कि बोनट के ठीक सेंटर पर आपको मिल जाता है, तो एक ही वाशर इसमें आपको मिलते हैं। कोई भी इसमें ऑटोमेटिक वाइपर वगैरह कोई भी ऑप्शन नहीं है, सब कुछ मैनुअल ही है। बाकी विंडो एरिया आप देखते हैं तो काफ़ी आपको वाइड एंगल आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। आते हैं इसके साइडों में, तो यहाँ पे आपको पूरा व्हील पे आर्च मिल जाएगा, जो कि कहीं पे भी स्क्रैच होने से इसको बचाता है। कहीं ना कहीं रोड पे चलते हैं तो आपको हर जगह इसी यही टच होने का ज़्यादा डर रहता है, फ्रंट में ये और रियर में भी ये टच होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो उसके लिए रेनॉल्ट ने इसमें दोनों तरफ फाइबर का यूज़ किया हुआ है, जो कि काफ़ी सही है। टायर प्रोफाइल में हम आते हैं तो यहाँ पे आपको 185x65x R15 का आपको टायर प्रोफाइल मिल जाता है 15 इंची का, और अलॉय व्हील इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक कंपनी ऑफर करती है, और ऐसा इसमें कवर दिया गया है जो कि लगता है अलॉय व्हील के जैसा, लेकिन ये अलॉय व्हील है नहीं, ये कवर दिया हुआ है स्टील व्हील के ऊपर, तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी इसका सस्पेंशन सेटअप आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया इसमें गैप छोड़ा गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात कर लूँ तो इसमें आपको मिल जाता है 182 mm का, 182 mm, जो कि नीचे से लगने के लिए बचाने के लिए काफ़ी है, इसको 182 mm काफ़ी माना जाता है। उसी के साथ साइड में आपको यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलता है, पेंट पे स्टिकर ऐसा दिया हुआ लगता है कि बाहर से कुछ इस पर इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, स्टिकरिंग का सब कमाल है, जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। ऊपर में आते हैं तो यहाँ पर आपको ओआर में पे ही इंडिकेटर मिल जाएंगे, और इसमें एक फीचर्स मिल जाता है जो कि पहले बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में आती थी, वही सेम इसमें फीचर्स मिलता है। जैसे आप इसके पास में आते हैं यहाँ लॉक हो जाता है, दूर में जाते हैं तो ये लॉक हो जाएगा, बस आपके पास की रहना चाहिए। और इसका की भी देखते हैं आप, काफ़ी स्मार्ट की आपको मिलता है यहाँ पे, एक बड़ा सा लगता है कि स्मार्टफोन आप लेके घूम रहे हैं, जिसमें लॉक अनलॉक, बूट एक्सेस, लाइट एक्सेस दोनों आपको मिल जाता है। की काफ़ी अच्छा है रेनॉल्ट के लोगों के साथ में, काफ़ी हल्का है, ये भारी नहीं लग रहा है, काफ़ी अच्छा लगा देखने में। डोर पे आते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन यहाँ पे नहीं मिलता है। और खिड़कियों पे देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी क्रोम का यूज यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, सब कुछ ब्लैक रखा गया, एकदम काफ़ी अच्छा है, इसको सिर्फ क्रोम से किया गया है। बाकी ऊपर में आते हैं तो रूफ रेल मिल जाता है आपको ब्लैक में, मैट ब्लैक फिनिश मिलता है, यहाँ पर कोई भी सनरूफ का यूज इसमें नहीं मिलेगा आपको। विंडो एरिया देखते हैं तो काफ़ी ह्यूज आपको विंडो एरिया मिलता है, जो कि अंदर बैठते हैं तो उनको रूमी फील होगा, अंदर में वो पैक अपने आप को महसूस नहीं करेंगे, तो ये चीज़ काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा लगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है जो कि पेट्रोल के साथ ही आता है, इसमें डीजल का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है रेनॉल्ट में, चाहे वो कोई भी मॉडल क्यों ना हो, तो ये बात अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। बाकी हम आते हैं इसके रियर में, तो ये रहा इसका रियर प्रोफाइल, देख सकते हैं आप, रियर से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी मिनिमल है भाई। जिनको ज़्यादा शौक नहीं पालना, ज़्यादा तामझाम नहीं करना, जिनको अपने काम से काम मतलब रखना है और
सही पैसों में सही इस्तेमाल करना है कार का, तो उनके लिए काफ़ी सही मानी जाती है, क्योंकि 10 लाख के अंदर में भाई 7 सीटर आ रहा है, तो और क्या चाहिए। आप अपने फैमिली के साथ पूरे आराम से जा सकते हैं। और रियर में इसमें आपको मिलते हैं 3 रिवर्स सेंसर्स, एक यहाँ पे मिल जाता है, एक सेंटर में मिलता है और एक वहाँ साइड में मिल रहा है। इसकी रिप्लेट यहाँ पे भी दिया गया है। ऊपर में आते हैं तो यहाँ पर ड्राइवर का बैजिंग, रेनल्ट का लोगो और उसके साथ नीचे में रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिल जाता है। यहाँ पर आते हैं तो रेनल्ट का बैजिंग मिल जाएगा। लाइट सेटअप पे मैं आता हूँ तो ये पूरा हैलोजन बेस्ड ही रहने वाला है, चाहे वो ब्रेक लाइट हो, पार्किंग लाइट हो या कोई भी लाइट हो, रियर में सब आपको हैलोजन बेस्ड ही है। ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे आपको रियर वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है और रियर स्पॉइलर यहाँ पे मिलता है वॉशर के साथ में, जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पे हाई माउंट स्पॉट लैंप भी मिल रहा है आपको। अब हम इसका एक बार बूट एक्सेस करते हैं और देखते हैं बूट में कितना ज़्यादा स्पेस इसका है। बूट में तो ज़्यादा स्पेस आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये 7 सीटर है और सब 4 मीटर के अंदर में है, तो ज़्यादा कुछ मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ बढ़िया किया है रेनॉल्ट ने कि इसको दे दिया है हाइड्रोलिक में, जो कि बाहर से सपोर्ट करता है, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी यार इसका बूट स्पेस थोड़ा बहुत, आप छोटा सा बैग इसमें रख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ आने वाला नहीं है। यहाँ पे टूल किट आपको मिल जाता है, स्टेपनी इसका नीचे लगता है गाड़ी के नीचे ही, सीट फोल्ड कर सकते हैं आप, दोनों सीट फोल्ड हो जाएगा तो उसके बाद आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाएगा। 5 बंदे बैठे हुए हैं और सामान रखना है तो इसको फोल्ड कर लीजिए और इसके बाद आप इसमें आराम से जा सकते हैं। और सारे हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया बात है। मैं आपको एक बार इसका सीट फोल्ड करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये फोल्ड हो गया यहाँ पे, तो ये रहा इसका फोल्ड होने के बाद पूरा, देख सकते हैं आप, ये रहा इसका पूरा स्पेस। तो फोल्ड करने के बाद आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्पेस मिल जाएंगे। और थर्ड रो की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, तो जो बंदे पीछे बैठेंगे उनके लिए फ़ोन चार्ज करने के लिए स्पेस भी आपको मिल जाता है इसमें, जो कि काफ़ी सही रहने वाला है। अब आते हैं कि इसके स्टेपनी के बारे में, तो स्टेपनी इसका आपको यहाँ पे मिलता है, देखिए नीचे मिल रहा, खोलने के लिए आपको बूट में से ही नट ढीला कीजिएगा, नीचे वो खुल जाएगा, उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ पूरा 360 व्यू कवर हुआ। अब हम चलते हैं इसके अंदर में और अंदर से देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है अभी के रेनॉल्ट ड्राइवर में, तब हम आते हैं इसके अंदर। ये रहा इसका पूरा इंटीरियर, यहाँ पे पूरा ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। दरवाजों पे आते हैं तो सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ऑटो डाउन ड्राइवर साइड विंडो मिलेगा, यहाँ पे ओआरवीएम कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये फोल्ड होता नहीं है, सिर्फ कंट्रोल होगा बस। यहाँ पे पुराने ज़माने वाला वो लॉक अनलॉक, इससे मैं बहुत इरीटेट होता हूँ भाई, मेरे कार में भी ये है, ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। बाकी टायर प्रेशर के लिए यहाँ पर आपको मेंशन किया गया दरवाजों पे, बहुत सी कार में यहाँ पे रहता है लेकिन इसका दरवाजों पे मिल जाता है। और इसमें बढ़िया चीज़ मुझे लगा कि इसका सीट हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, देख सकते हैं आप, इसको आप अपने हिसाब से उठा सकते हैं। सीट हाइट के साथ साथ आप इस आपको इसमें रिक्लाइनिंग भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और फैब्रिक सीट आपको मिलते हैं यहाँ पे, कोई भी लेदर का यूज़ नहीं किया गया है। और ड्राइवर साइड एडजस्टेबल आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको फिक्स्ड ही मिलता है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। थर्ड रो में आपको एडजस्टेबल मिलते हैं लेकिन ड्राइवर साइड में ये फिक्स्ड मिलता है। और सीट का चौड़ाई काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, तो चौड़े बंदे के लिए भी काफ़ी सही है, आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं। ग्रिपिंग वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है। अब हम चलते हैं इसके अंदर और देख लेते हैं अंदर के सारे फीचर्स वगैरह। ये मॉडल रहने वाला है मैनुअल, 5-स्पीड मैनुअल गियर के साथ में आता है। कोई भी यहाँ पे बोतल होल्डर छोटा सा मिलता है, आप इसमें थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। हैंड ब्रेक मिल जाता है और इसमें आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है ड्राइवर साइड में, जो कि यहाँ पे अभी पैक है पन्नी के अंदर, आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा इसका आर्म रेस्ट, को ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलता लेकिन ड्राइवर साइड जरूर मिल जाता है। तो चलिए इतना भी कर रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी ये रहा इसका स्टीयरिंग व्हील, एक बार मैं आपको इसको डिस्प्ले ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये इसका हो चुका डिस्प्ले ऑन, पूरा डिजिटल आपको मीटर यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आप देखते हैं तो यहाँ पे स्पीडोमीटर है, देख सकते हैं आप, आरपीएम मीटर है, यहाँ पे टोटल किलोमीटर कितना चला है, उसके साथ यहाँ पे सारा सीट बेल्ट रिमाइंडर, अभी बैटरी लो है, इंजन स्टार्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, वो शो कर रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। बाकी स्टीयरिंग व्हील देखते हैं तो बिल्कुल छोटा सा मिलता है, इसके साइज़ के हिसाब से काफ़ी यहाँ पे छोटा यहाँ पे मिलता है इसका स्टीयरिंग व्हील, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मस्त लगा देखने में भाई। स्टीयरिंग की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, सिर्फ टिल्ट मिलता है,
यहाँ पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल और यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, देख सकते हैं आप। इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ, तो ये रहा इसका ऑन। इसको ऑफ करते हैं क्योंकि रेडियो ये ऑन हो गया यहाँ पे। तो इसमें आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये चीज़ सपोर्ट करता है लेकिन वायर से। अब ये बज रहा है तो एक बार इसको ऑफ कर देता हूँ मैं, नहीं तो ये डिस्टर्ब कर देगा क्योंकि बैटरी लो है भाई, तो ये परेशान करके रख देगा। बाकी एसी वेंट्स आप मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। ये चीज़ काफ़ी लगा भाई, मस्त है भाई। इसमें आपको वायरलेस चार्जर मिल रहा है, एसी का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से चार्जिंग के लिए। अंदर में आपको मिलता है एक यूएसबी पोर्ट और एक ऑक्स केबल के लिए, वहाँ पे स्पेस मिला उसी के बगल में। बाकी गियर नॉब काफ़ी बढ़िया है। बाकी यहाँ पे डैशबोर्ड देखते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया मिलता है। और स्पेस की मैं बात कर लूँ तो एक आपको यहाँ पे ग्लो बॉक्स मिलते हैं इसके ऊपर में, उसका नीचे में आते हैं तो आपको यहाँ पे ग्लो बॉक्स मिलता है। तो स्पेस इसमें आपको भर भर के मिल जाता है। एक तो 7 सीटर ऊपर से हर चीज़ के लिए इसमें स्पेस काफ़ी बढ़िया दिया गया है। यहाँ पे आते हैं तो पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, ये भी बढ़िया है। लाइटिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको LED में बल्ब मिलता है, बात करने के लिए आपको यहाँ पे माइक मिल जाएंगी। ड्राइवर साइड आते हैं तो कुछ नहीं, बस नॉर्मल है। यहाँ पे आयरवे में देखते हैं तो ये भी आपको नॉर्मल मिलता है, इतना चल देगा क्योंकि इतना कम प्राइस में कंपनी इतना चीज़ दे रहा है, तो वहाँ पे और ज़्यादा आप क्या भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी कंफर्ट वगैरह आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मिल रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड रूम, वहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स इसमें ऐड है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहुँचते हैं इसके रियर सीट्स पे। तो ये रहा इसका सेकंड रूम और यहाँ पे भाई कलर का यूज़ देखिए, पूरा बेज और हार्ड प्लास्टिक का ही यूज है पूरे गाड़ी में। यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल, स्पीकर ग्रिल और यहाँ पे डोर लीवर और ये ठक ठक लॉकिंग सिस्टम। बाकी ये रहा इसका सीट, ये भी आप 60-40 में स्प्लिट कर सकते हैं, ये चीज़ भाई काफ़ी बढ़िया लगा कि आप इसको भी फोल्ड करके चल सकते हैं। सॉरी 60-40 में कर रहा हूँ फोल्ड करने का, इसको स्लाइड करके सेकंड रो में जा सकते हैं, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, ये चीज़ काफ़ी सही है। तो सेकेंड और थर्ड रो इसका हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेगा, सिर्फ फ्रंट रो का फिक्स्ड मिलता है आपको। चलिए अंदर बैठते हैं और देखते हैं कंफर्ट वगैरह कैसा है। तो ये रहा इसका कंफर्ट, सही है इसके प्राइस के हिसाब से। थाई सपोर्ट भी बढ़िया है, 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं रियर में। चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है, देख सकते हैं आप। और लेगरूम काफ़ी बढ़िया है और एसी वेंट्स भी आपको मिल रहा है भाई, पिलर एसी मिल रहा है इसमें सेकेंड रो के लिए भी, वो भी काफ़ी बढ़िया है। थर्ड रो के लिए आपको रूफ़ में एसी इसका मिल जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो एसी का कंफर्ट पूरा रखा गया है यहाँ पे, तो भाई कहीं से भी कॉस्ट कटिंग इसमें नहीं है। इतने कम प्राइस में इतना फीचर्स देखना, एसी देना वो भी थर्ड रो तक, ये चीज़ ज़बरदस्त है। हेडरेस्ट सारे एडजस्टेबल देना, कोई भाई रेनॉल्ट से सीखे ये फीचर्स कैसे दिया जाता है। थर्ड रो में जाने के लिए आपको इसको सीट को स्लाइड करना होगा, उसके बाद आप थर्ड रो में जा सकते हैं। तो यही रहा आज का वीडियो दोस्तों। आते हैं फाइनल इसके इंजन पे, तो इसमें आपको इंजन मिल जाता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि पावर ठीक ठाक आपको निकाल के दे देगा। ज़्यादा पावर का उम्मीद नहीं कीजिएगा, पावर इसका आपको स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आते हैं इसके प्राइस पे, तो इसका प्राइस पड़ रहा 10,38,000 ऑन रोड मुजफ्फरपुर में। शोरूम का सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन डालूंगा, व्हाट्सएप में शोरूम से चेकआउट कर सकते हैं आप। बात कर लो इसके प्राइस की, तब इसका प्राइस पड़ रहा 10,38,000 ऑन रोड मुजफ्फरपुर में। शोरूम का सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से हम शोरूम से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो आगे भी शेयर जरूर कीजिएगा, और एक लाइक तो जरूर बनता है भाई। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।